समाजवादी छात्र सभा एवं समाजवादी यूथ ब्रिगेड के संयुक्त तत्वावधान में छात्र सभा के जिला अध्यक्ष असलम चौधरी के नेतृत्व में समस्त छात्रों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर सरकार द्वारा टेट परीक्षा 2021 को लीक होने पर रद्द किए जाने के संबंध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि 28/11/2021 को सरकार द्वारा आयोजित टेट परीक्षा 2021 में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण हुए पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द होने के संबंध में प्रदेश के छात्रों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर समाजवादी छात्र सभा छात्रों के हितों में प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार द्वारा आयोजित की गई टेट परीक्षा वर्तमान सरकार की नाकामी और लापरवाही के कारण रद्द कर दी गई, जिससे युवाओं व युवतियों के अपूर्ण क्षति के साथ साथ उनके सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा का रद्द होना दर्शाता है कि प्रदेश सरकार में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के बजाय वर्तमान सरकार अधिक से अधिक लोगों को सरकारी संस्थाओं से वंचित करने की ओर अग्रसर है। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई है कि सरकार 15 दिन के अंदर अंदर पुनः टेट की परीक्षा आयोजित कराए एवं सरकार आगामी आयोजित टेट परीक्षा में समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पर पहुंचने हेतु यात्रा भत्ता व रेलगाड़ी और बसों में मुफ्त यात्रा करने की व्यवस्था उपलब्ध कराए। साथ ही कहा गया कि टेट परीक्षा हेतु आवागमन में हुई आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए समस्त परीक्षार्थियों को कम से कम 5,000 रुपये का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में अंकुश यादव, अमन मल्होत्रा, असलम चौधरी, मेराज आलम, गौरव सैनी, जुबैर असद, शाकिर पाशा, विशाल ठाकुर, अब्दुल समद, दुर्गा शर्मा, नवी हसन आदि लोग मौजूद रहे। जी पूछा जी, कामिल भाई किस तरह का प्रदर्शन किया गया, कलेक्टर का घेराव किया कि मांगों को लेकर किया गया? देखिए, जिस तरीके से पूरी पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार चल रही है, आज तक तो कोई परीक्षा सफल पूर्ण तरीके से नहीं हुई, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई, सारी भर्ती कैंसिल हो गई, सारी परीक्षाएं रद्द हो गई। उसी तरीके से कल कड़कड़ाती ठंड में जब बच्चे अपने घरों से रात को निकले थे कि सुबह हम पेपर देंगे और अपना भविष्य बनाएंगे, उनका भविष्य लटकाने का काम इस सरकार ने किया। जब वो पेपर देने के लिए जाते तो उनसे कहा जाता है कि पेपर रद्द हो गया है। इतनी कठिनाइयां, इतनी परेशानियों के साथ घरों से निकले थे, किसी के पास खुले पैसे थे, किसी को कर्जा लेकर आया था, लेकिन उनका जब माइंड डिस्टर्ब हुए वो लोग, तो सड़कों पर आपने देखा जिस तरीके से जनसैलाब था, लखनऊ में उन्होंने प्रदर्शन किया। इसी वजह को लेकर हम आज पूरे समाजवादी संगठन, युवा संगठन आज कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये टेट की परीक्षा बहाल कर दी जाए और 15 दिन के अंदर ये परीक्षा दोबारा करा दी जाए और जो हमारे छात्रों जो इस परीक्षा को देने के लिए आए थे उन्हें 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए, उनकी आने जाने की और रहने की व्यवस्था, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में वो लोग सड़कों पर सोए, उनकी भी रहने की व्यवस्था की जाए, जब 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें परीक्षा दोबारा करा दी जाए। और नहीं ये मांग अगर हमारी 15 दिन में नहीं मांगे तो उग्र आंदोलन होगा और छात्रों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है, नौजवानों के लिए हमेशा खड़ी है।